गाजा में इसराइल के ऑपरेशन पर बड़ी ब्रेक लग सकती है, क्योंकि अब चीन ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे अमेरिका तक खौफ से भर चुका है। इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिसका बड़ा फायदा ईरान को मिलेगा, और समझ लीजिए कि अगर ईरान को इसका फायदा मिला तो लेबनान में हिजबुल्ला को रोकने के लिए इसराइल का कोई हथियार काम नहीं आएगा। एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरी स्थिति समझते हैं। तबाही गाजा में हो रही है। गाजा में इसराइल के बम फट रहे हैं। उत्तरी गाजा का कोई मोहल्ला, कोई गली बाकी नहीं बची जो इसराइल के धमाके से गूंजी ना हो। गाजा ने इतनी लाशें पहले भी देखी हैं, लेकिन इस बार तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। पूरे गाजा में इस वक्त बारूद की बू आ रही है। यहाँ की आबो हवा में बारूद घुल चुका है। इसराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स गाजा पर रोज 300 से ज्यादा स्ट्राइक कर रही है, लेकिन गाजा से दूर दुनिया में दो जगह इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए दो वॉच टावर तैयार हो चुके हैं। एक है भूमध्य सागर, जहां अमेरिका ने समुद्री बेड़े तैयार कर दिए हैं, और दूसरा है फारस की खाड़ी, जहां चीन ने अपने 6 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक तरफ अमेरिका इसराइल को बचाने पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ चीन की तैनाती बताती है कि उसने ईरान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मसल पावर दिखानी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना अभी तक दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखाती आई है, लेकिन इस बार फारस की खाड़ी में चीन के 6 जंगी जहाजों का पहुंचना बताता है कि गाजा और फिलिस्तीन का युद्ध अब दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर में बदल सकता है। आप बिल्कुल ठीक समझे। ये अब अमेरिका बनाम चीन का युद्ध भी हो सकता है। अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ आ चुका है। अब चीन ने ईरान के करीब अपने 6 जंगी जहाज पहुंचा दिए हैं, यानी कह सकते हैं कि चीन अब ईरान के साथ है। वैसे बड़ी खबर यह भी है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने ऐसे अहम वक्त पर ईरान का दौरा किया है, इसलिए पुतिन ने यह भी बता दिया है कि रूस इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ है। गाजा में इसराइल की बमबारी को देखते हुए ईरान बार बार वार्निंग दे रहा है। इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इसराइल की बमबारी में ढहती जा रही हैं, वहां मलबे से बच्चे और बूढ़ों की लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों का गुस्सा उबाल खा रहा है। गाजा में इस इमारत में रेफ्यूजी रहते थे। जब इसराइल का बम यहां गिरा तो लोग लाशें गिनते गिनते थक गए। अब यहां चारों तरफ मलबा ही मलबा है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस मलबे में कितनी लाशें दबी हुई हैं। सात अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब मरने वालों की तादाद 5,000 तक पहुंच चुकी है। इनमें बच्चों की तादाद करीब 2,000 के करीब आ गई है, जबकि गाजा में हुई बमबारी में 14,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा से आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त गाजा में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही मची हुई है, और जैसे जैसे मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया दो खेमों में तेजी से बढ़ती जा रही है।